साथियों, आज देखेंगे हम शुड के साथ क्रिया का पहला रूप। तो देखिए, शुड का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे हिंदी के वाक्यों में करनी चाहिए, ना चाहिए ऐसे शब्द आते हैं। जैसे देखिए, अब का हमन ला निकलना चाहिए, इसी को हिंदी में देखें तो अब क्या हमें निकलना चाहिए। तो ऐसे जब वाक्य आएंगे तो हमको क्या करना है, ये शुड प्लस क्रिया का पहला रूप इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहां देखें, व्हाट शुड वी लीव नाउ। देखिए, व्हाट शुड वी लीव नाउ, ये हुआ हमारा शुड और ये हुआ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो शुड के साथ क्रिया का पहला रूप यही आज हम सीख रहे हैं। ओके, अगला उदाहरण से देखें। तो देखिए, अगला उदाहरण, अब हमें निकलना चाहिए, हिंदी में देखें तो अब हमें निकलना चाहिए, और अंग्रेजी में वही चीज, वी शुड लीव नाउ। ओके, समझ आ रही बात है ना, वी शुड लीव नाउ, ये हुआ हमारा शुड और ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो जहां पर ना चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी चीजें आए तो हमको क्या करना है, शुड के प्लस क्रिया का पहला रूप लगा के हमको ट्रांसलेशन करना है। तो अच्छा लग रहा है ना, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। और तो देखिए, अगला उदाहरण, आपका मुला थोड़की सुरता लेना चाहिए, सुरता लेना चाहिए, आराम करना चाहिए ना हिंदी में, मुझे क्या अब थोड़ा आराम करना चाहिए, मुझे क्या अब थोड़ा आराम करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, व्हाट शुड आई थोड़ा आराम ना, सम रेस्ट नाउ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए, व्हाट शुड आई सम रेस्ट नाउ, अब इसी को यदि हम हमें शब्द जोड़ कर करें कि मुझे हमें क्या अब थोड़ा आराम करना चाहिए। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, व्हाट शुड आई की जगह वी, बाकी वही होगा, तो ये बस बदल लेगा ये, और बाकी फिर आपको बोलने में सरलता हो जाएगी। अब इसके साथ देखते हैं, कुछ पूछना है या कुछ सुझाना है तब की स्थिति में सुझाना है ना। तो देखें, अब हमन का करी, अब हिंदी में अब हम क्या करें। ओके, ये हो जाएगा व्हाट शुड वी डू नाउ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सुझाना है या कुछ पूछना है उस स्थिति में हमको क्या करना है, ये इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। ठीक है, और देखते हैं, एक उदाहरण देखें। देखिए, का मैं खिड़की ला बंद कर देवा, और हिंदी में देखें तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। अब इसको देखिए, तो यहाँ ये जो क्या शब्द है या जो प्रश्नवाचक है वो बीच में नहीं है, प्रश्न जो शब्द है तो हमको किसी प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सीधा ये लगा दें, शुड आई क्लोज। अब आप जिस चीज को लेकर कह रहे हैं, यहां पर हम तो खिड़की की बात कर रहे हैं तो विंडो आएगा क्वेश्चन मार्क, बाकी आप जो भी दरवाजा ले सकते हैं, मतलब जो आप सामान्य जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, तो शुड आई क्लोज उसके बाद वो चीज, शुड आई ऑफ स्विच, ऑफ शुड आई स्विच ऑन, शुड आई, ये करके जो है आप किसी से पूछ सकते हैं या किसी से सुझा सकते हैं। और इसके बाद दैट के बाद भी जो है इनका शुड का प्रयोग होता है, उसको भी देख लेते हैं, जान लेते हैं।
देखिए, तय वैसन कहत हस मोला अचरच लागिस, तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है। इन इंग्लिश, इट इज रियली सरप्राइजिंग, इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट, इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट। ओके, अनदर एग्जांपल देखिए, कोकरो पक्ष लेवई बने बात न है, छत्तीसगढ़ी में कोकरो पक्ष लेवई बने बात न है, इन हिंदी तुम्हारा उसकी तरफदारी करना ठीक बात नहीं है, तुम्हारा उसकी तरफदारी करना ठीक बात नहीं है। इन इंग्लिश, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट दैट, क्या सही नहीं है, यू शुड टेक, अगर लड़का हुआ तो हिज, लड़की हुई तो हर साइड, तो यू शुड टेक हिज या हर साइड। ओके, कुछ और उदाहरण लेते हैं, एक और एक प्रयोग है, जैसे तो देखिए ये अगला है, संभावना व्यक्त करने के लिए, तो यहां शुड बी का इस्तेमाल करेंगे, संभावना के लिए बी लगाएंगे। देखो जैसे हम कोई मार्केट गए हैं और कुछ सामान ले रहे हैं, है ना, तो कई तो सामान को हम ये करके देखते हैं, ये कौन अच्छा है कौन नहीं है करके, तो यहाँ देखिए ये हर बने हुई, मतलब कोई चीज पसंद आ गई, ये हर बने हुई, हिंदी यह अच्छा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी गुड, क्या हो जाएगा, दिस शुड बी गुड। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा शुड का यूज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिए, और अपने सहपाठियों को समझाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा जो नया वीडियो है आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।